प्रयोगशाला के कक्षा कार्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। जो बच्चे मेरे पास भी खड़े हैं वो भी प्रयोग करेंगे और जो बच्चे सामने बैठे हैं वो प्रयोग को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसके बाद इस प्रयोग को आपको भी करके देखना है। जैसा कि आप सभी बच्चे जो हैं यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है हमारा नींबू का है। इसमें हमने एक बड़ा नींबू लिया, काटा और इसमें ग्लास में पूरा रस गाड़ दिया और ये कच्चा सिरका है, जिसको आप छोड़कर ही कच्चा वाला सिरका है, ठीक है। इससे तैयार होता है गन्ने का रस को सरा करके, गन्ने को रस को सरा करके ये सिरका हो गया आपका। अब इधर वाले में आप देखेंगे, ये हमारे पास है थोड़ा सा सर्फ, देख रहे हैं आप लोग, देखिए सर्फ है, इसको हम इस वाले ग्लास में डालेंगे, अच्छे से घोल घोलेंगे, ठीक है। ये हमने बेस बना दिया, क्या बना दिया बेस, क्योंकि देख रहे हैं आप थोड़ा झाग वाला आ रहा है और आपको पता है कि जो छार होता है, आप थोड़ा इसको अपने हाथ में लीजिए, रगड़िए, लीजिए रगड़िए, रगड़ो, कैसा महसूस हो रहा है, फिसलन हो रही है, झाग लग रहा है ना, तो इसका मतलब ये हमारा क्या बन गया, छार, क्या बन गया छार। अब हम लेते हैं दूसरा ग्लास, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने खाने वाला सोडा, ये देखिए खाने वाला सोडा है, इसको हम घोल दिए पूरा, अच्छे से इसको घोला, और बेटा तुम इधर आओ, ये लो हाथ लाओ। अब आप इसको अपने हाथ पे टच करके देखिए और रगड़िए हाथ से, कैसा महसूस हो रहा है, फिसलन महसूस हो रही है, कैसा महसूस हो रहा है, फिसलन, इसका मतलब ये हमारा क्षारीय पदार्थ है। अब हम टेस्टिंग करेंगे, ये हमारे पास सबसे पहले आ गया है नीला लिटमस पेपर, क्या है नीला लिटमस पेपर। इस लिटमस पेपर की एक पट्टी को हम निकालेंगे, एक तुम लो बेटा पट्टी लो, तुम भी लो, सारे बच्चे लेंगे इधर, सबको करके देखना है, ये पकड़िए, ये आप लीजिए, ये लीजिए, सभी बच्चे लेंगे, ये आप ले लीजिए एक एक पट्टी, सभी बच्चे पहले और एक पट्टी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना। अब हम इसे ये देखिए नींबू का रस, जिसको हम प्राकृतिक अम्ल कहते हैं, हम इस नीले रंग की पट्टी को इसमें डिप करेंगे यानी डुबोएंगे, और अगर ये लाल हो जाता है तो इसका मतलब ये जो हमारा पदार्थ है वो क्या है, अम्ल है ना। किसी भी अम्लीय पदार्थ में नीले रंग के लिटमस पेपर को डुबोने पर नीला लिटमस पेपर क्या हो जाता है, लाल। देखते हैं, देखिए कैसा हो गया, लाल हो गया ना, ध्यान से देखें, सभी बच्चों को दिख रहा है, यस मैम, ये नीला लिटमस पेपर आपका क्या हो गया है, लाल, ठीक है। अब हम इसको इधर रख देंगे। अब देखिए दूसरा आपका पास पदार्थ है, दूसरा जो आपका पदार्थ है वो है सिरका, सिरका भी प्रकृति में पाए जाने वाले एक अम्ल है। अब यही हम नीला लिटमस पेपर सिरके में भी ट्राई करके देखते हैं क्या है, तो हमने इसमें डिप किया, देखिए अब ये देखिए क्या हो गया, लाल, लाल, इसका मतलब सिरका क्या है, अम्ल है, ठीक है। चलिए ये देखिए, तो ये दो परीक्षण आपके हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास पहले क्या था, ये सर्फ का घोल है, क्या है, किसका घोल है, सर्फ का। अब हम लेते हैं लाल लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर का एक प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि क्या लाल लिटमस पेपर इसमें डुबोने पर क्या नीला हो जाता है, देखते हैं। देखिए देखिए क्या हो गया, नीला, नीला हो गया ना, यस मैम, ये लाल लिटमस से नीला हो गया, इसका मतलब ये सब का घोल क्या है, छार, क्या है ये सब का घोल, छार। एक बार और हम लोग प्रयोग करके देखेंगे, ये आपका था खाने वाला सोडा, इसमें थोड़ा हम और मात्रा मिला देते हैं जिससे आपको ये दिखे भी अच्छे से, घोल के हमने इसको छार बना दिया है, एलकेवी छार। अब हम इसमें घोलेंगे, क्या हो गया, नीला, नीला हो गया, इसका मतलब ये जो खाने वाले सोडे का घोल है ये क्या है, छार है। थैंक यू स्टूडेंट्स।